हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ब्लास्ट कोचिंग क्लासेस में। ब्लास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से प्रश्न बैंक यानी क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज दी जा रही है, ठीक है, जो 2023 वाले सेशन के लिए है, जिसमें हम लोग 10th और 12th क्लास दोनों देखेंगे, साथ ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम भी देखेंगे। अभी हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास का हिंदी मीडियम का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस देख रहे हैं। तो इसको जैसे ही हम आगे जाएंगे तो ये हमारा क्वेश्चन बैंक हमें दिए हुआ ब्लूप्रिंट है, और ब्लूप्रिंट में हम लोग जानते हैं 10th क्लास में इस बार सारे क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स के आएंगे, 75 के, जिनमें से 30 मार्क्स के क्या होंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे। अभी इसमें हम लोग ये 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है और आप लोग ज्यादा कमेंट करते हो तो बाकी के जो ये 2, 2, 3, 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ये भी सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। हम लोगों का टारगेट ये होगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा देखो और आप वेबसाइट पर जाकर के भी हमारा 500K का टारगेट पूरा करवाओ, जिससे कि क्या होगा कि ये अभी हम लोग मोबाइल पर एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि हम आपको दूसरी जगह पे एक्सप्लेन करके और ज्यादा अच्छा कंटेंट दे सके। आप जैसे ही गूगल पे जाकर के ब्लास्ट कोचिंग क्लासेस सर्च करोगे तो जो आपको पहली लिंक मिलेगी उसके ऊपर क्लिक करने पर आप हमारी वेबसाइट पे आ जाओगे, और जैसे ही आप वेबसाइट पे आओगे तो आपको फुटर में आना है सबसे नीचे, तो आपको 9th क्लास के सारे कोर्स मिल जाएंगे, 10th के मिल जाएंगे, 11th के मिल जाएंगे और 12th के मिल जाएंगे। 10th क्लास का अगर आपका हिंदी का है तो 10वीं सामाजिक विज्ञान, और इंग्लिश का है तो 10th सोशल साइंस पे क्लिक करने पर ये कोर्स आपको ओपन हो जाएगा। उसके स्टडी मटेरियल में जाने के बाद आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं तो ये हमारा YouTube चैनल है जिसके ऊपर 10.8K सब्सक्राइबर हैं, इनको भी आपको इंक्रीज करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको सब्सक्राइब करना है ताकि ये और ज़्यादा इंक्रीज हो सके। आपको प्लेलिस्ट में जाकर के 10th परीक्षा बोध 2023 की भी प्लेलिस्ट देख लेनी है, उसमें भी हमने सारे सब्जेक्ट कवर किए हुए हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों, तो आप वहाँ जा करके इसको देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारे कंटेंट की तरफ। तो ये हमारा वो पोर्शन है जो सामाजिक विज्ञान में कक्षा 10वीं क्लास का इस बार का कम कर दिया गया है, तो ये सारे चैप्टर हमारे क्या कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं। कुछ कुछ चैप्टर पूरे कम किए हैं, कुछ कुछ में पर्टिकुलर पेज नंबर दे करके बोला है कि ये टॉपिक कम कर दिए गए। उसके बाद में हम लोग आते हैं पहले सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 समकालीन भारत भाग 2 यानी भूगोल पर। तो भूगोल का जो हमारा पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, इसमें ऑब्जेक्टिव हमारे नहीं आएंगे, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग छोड़ करके कहाँ चल रहे हैं, अगले चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वन एवं वन्यजीव संसाधन, तो सेकंड चैप्टर में हमारा वन एवं वन्यजीव संसाधन, और इसके हमारे ऑब्जेक्टिव हमसे पूछे जाएंगे, तो इसको हम लोग देखते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगर आप वीडियो में रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आएगा, आप लोग ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं 2, 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहला हमारा सही विकल्प चुन करके लिखिए, प्रत्येक एक अंक के हैं, और पहला क्वेश्चन है वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो ऐसे जिनके ऊपर सभी जीव निर्भर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। दूसरा है वन्य जीवों के आवास संरक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था, तो पहला कानून कब बनाया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया था। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हमारा नर्मदा सागर परियोजना से किस राज्य का वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, तो किस राज्य का हो रहा है, तो इसका आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। चौथा है शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है, तो ये किससे है, केरल से। पांचवा है हमारा सरिस्का बांध रिजर्व परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में है, राजस्थान में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था, तो ये किस में किया गया था, तो इसका आंसर आएगा हमारा उड़ीसा। सातवां है पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण क्या है, स्थानांतरीकरण के लिए। नेक्स्ट है हमारा आठवां निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये किस में स्थित है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद में अगला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और पहला है हमारा छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातियां निवास करती हैं, तो इसमें कौन सी करती हैं, मुंडा और संथाल करती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा दूसरा स्थायी वन क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्र राज्य में स्थित है, तो ये किसमें, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्थित है। नेक्स्ट हमारा भारत में सघन वन क्षेत्र प्रतिशत है, तो कितना, 12.2% है। उसके बाद में नेक्स्ट सही जोड़ी बनाइए, पहला है बीच बचाओ आंदोलन, तो ये क्या है, किसको जाकर के मैच करेगा, नवदायन को। नेक्स्ट है हमारा चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन क्या है, वन कटाई की रोकथाम को था। संयुक्त वन प्रबंधन, तो ये हमारा 1988 में आया। नेक्स्ट है सर्वाधिक वन क्षेत्र, तो ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और लास्ट है भारतीय वन्य जीव अधिनियम, तो 1972 में आया। उसके बाद में अगला है हमारा सत्य सत्य,
इसमें पहला है हमारा उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया है, तो ये सत्य है। दूसरा है चिपको आंदोलन हिमाचली प्रदेश में चलाया गया था, तो ये भी सत्य है। तीसरा है सरिस्का बांध रिजर्व मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है, तो ये असत्य है। चौथा है हमारा देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% हिस्सा वन आरक्षण के अंतर्गत आता है, तो ये कैसा सत्य है। पांचवा, भारत और नेपाल देशों में बाघों का आवास स्थल माना जाता है, तो ये भी कैसा सत्य है। छठवा है हमारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, तो ये सत्य है। सातवां, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना गया, तो ये भी कैसा सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो बीच बचाओ आंदोलन। दूसरा, भारत में स्थानांतरण करनी यानी झूम खेती इस मुख्यतः किन क्षेत्रों में की जाती है, तो किसमें की जाती है, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में। तीसरा है, जैव संसाधनों का विनाश किसके विनाश से जुड़ा है, तो किससे, सभ्यता और संस्कृति के विनाश से जुड़ा हुआ है। चौथा, छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियां किसकी पूजा करती हैं, तो किसकी पूजा करती हैं, महुआ व कदम के पेड़ों की पूजा करती हैं। पांचवा, भूमि पर पाया जाने वाला सबसे तेज स्तनधारी जीव है, तो ये कौन सा है, चीता है। नेक्स्ट है, श्लेष और बर्न किससे संबंधित है, तो ये किससे है, स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट है, विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना जाता है, तो ये किसको माना जाता है, अत्यधिक बढ़ती हुई जनसंख्या को माना जाता है। आठवां, टिहरी में किसान द्वारा किया गया आंदोलन का नाम क्या है, तो ये बीच बचाओ आंदोलन। उसके बाद में ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को जरूरत हो तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा अध्याय 3, जल संसाधन, तो इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। पहला हमारा, सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला, देश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो देश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 114 सेंटीमीटर। दूसरा हमारा, श्रृंगवेरा यानी इलाहाबाद में जल संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट जल संग्रह तंत्र किस नदी में बनाया गया, तो ये कौन सी नदी में बनाया गया, गंगा नदी में। तीसरा हमारा, भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ था, तो जो भोपाल झील है उसका निर्माण कब हुआ, 11वीं सदी में। चौथा, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो ये किस नदी के ऊपर बनाई गई है, महानदी के ऊपर। पांचवा हमारा, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, तो ये किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू जी ने। छठवां हमारा, बंगाल का सूख किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का सूख किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को। नेक्स्ट, सातवां हमारा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया, नर्मदा नदी पर। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो आठवां हमारा, जल संरक्षण से संबंधित खादीन एवं जोहद किस राज्य से संबंधित है, तो ये किससे है, राजस्थान से। नाइन्थ हमारा, पालर पानी कहाँ कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है, भूमिगत जल को। उसके बाद में अगला हमारा दसवां, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है, तो किसके ऊपर नहीं है, यमुना नदी के ऊपर। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और पहला है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा में होती है, तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, मानसियाराम और चेरापूंजी में। दूसरा हमारा, राज्य ने घर की छत से वर्षा जल संग्रहण आवश्यक कर दिया है, तो किसने कर दिया, तमिलनाडु ने। तीसरा, जल योग्य संसाधन है, तो जल कैसा है, नवीनीकरण योग्य संसाधन है। चौथा है, प्राचीन काल में बृहत स्तर पर बांध झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण शासक ने करवाया, तो किसने करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। पांचवा, हौज खास का निर्माण शासक ने करवाया था, तो ये किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। छठवा है, बांधों को परियोजना भी कहा जाता है, तो बांधों को क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सातवां, भाखड़ा नांगल परियोजना का विकास नदियों के बेसिन में किया गया है, तो किसमें, सतलुज और ब्यास की नदियों के बेसिन में किया गया है। आठवां है, मेघालय में नदियों व झरनों को द्वारा बने पाइपों से वर्षा जल का उपयोग किया जाता है, तो किससे किया जाता है, बांस के बने पाइपों द्वारा इसका वर्षा जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नाइन्थ, सरदार सरोवर बांध राज्य में है, तो सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में है। इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से राज्य को जीवन प्रदान करती है, तो किसको करती है, राजस्थान को करती है। उसके बाद में अगला है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है, राणा प्रताप सागर बांध, तो ये कहाँ है, चंबल नदी पर है। सरदार सरोवर बांध, तो ये कहाँ है, नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड बांध, तो ये किस पर है, महानदी पर है। मैटूर बांध, तो ये कहाँ है, कावेरी नदी पर है।
और नागार्जुन बांध तो ये कहाँ है, कृष्णा नदी के ऊपर है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड मैजदा कॉलम है, तो रिहंद बांध तो ये कहाँ है, सोन नदी पर। टिहरी बांध तो ये कहाँ है, गंगा नदी पर। नेक्स्ट है सरदार सरोवर, तो सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। इंदिरा गांधी नहर तो ये कहाँ है, राजस्थान में। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका, NGO। उसके बाद में नेक्स्ट है सत्य सत्य लिखिए, तो पहला है हमारा जल एक नवीनीकरण संसाधन है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये सत्य है। दूसरा है हमारा इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान राज्य को जल आपूर्ति की है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, सत्य है। तीसरा है हमारा इसराइल की औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य है। चौथा है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है, तो ये कैसा है, सत्य है। पांचवा है सूखा क्षेत्र का सामना अति वर्षा वाले क्षेत्र करते हैं, तो ये कैसा है हमारा, पांचवा असत्य है। छठवां है बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं आते, तो ये भी हमारा कैसा है, असत्य है। सातवां है भोपाल झील का निर्माण 17वीं सदी में हुआ था, तो ये कैसा है हमारा, असत्य है। आठवां हमारा बंगाल का सोग दामोदर नदी को कहा जाता है, तो ये कैसा है, सत्य है। नाइन्थ है उसके बाद में हमारा बांधों का निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है, तो ये कैसा है हमारा, नाइन्थ नंबर का, सत्य है। दसवां हमारा इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान राज्य को जल आपूर्ति की है, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है। ग्यारहवां हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वृहद स्तर पर बांध झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया है, तो ये भी कैसा है, सत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो पहला है आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। दूसरा है भारत की औसत वर्षा वार्षिक वर्ष कितनी है, तो ये कितनी है, औसत वार्षिक वर्षा 114 सेंटीमीटर। तीसरा है हौज खास निर्माण किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। दूसरा है विश्व में 2025 तक कितने व्यक्ति पानी की समस्या से ग्रस्त हो जाएंगे, तो करीब 20 करोड़ लोग हो जाएंगे। पांचवा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो किसके ऊपर बनाया गया है, नर्मदा नदी पर। छठवां है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी के बेसिन पर है, तो किस पर है, सतलुज ब्यास नदी के बेसिन पर है। सातवां है किस राज्य में हर घर वर्षा जल संग्रहण का ढांचा बनाना आवश्यक है, तो किसमें कर दिया गया, तमिलनाडु राज्य में। आठवां है जैसलमेर में खादीन एवं जोहत किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है, राजस्थान से। उसके बाद में अगला है हमारा नाइन्थ, तो नवे नंबर का है गांधी सागर बांध किस नदी में बना है, तो ये किस नदी में बना है, चंबल नदी में। दसवां हीराकुंड बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है महानदी पर। ग्यारहवां जल विद्युत किसे कहते हैं, तो गिरते हुए या बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा को जब हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जल विद्युत कहते हैं। बारहवां जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को क्या कहा था, तो इन्होंने बांधों को क्या कहा था, भारत का मंदिर कहा था। तेरहवां है टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर स्थित है, तो टिहरी बांध उत्तराखंड में गंगा नदी पर स्थित है। चौदहवां है बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs किसे कहते हैं, तो वह संगठन है जो अपने देश की तुलना में एक या एक से अधिक देशों में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन को नियंत्रित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। नेक्स्ट है नवीनीकरण स्रोत किसे कहते हैं, तो वे स्रोत जो पुनर्भरण होता रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, नवीनीकरण स्रोत कहते हैं। बाढ़ किसे कहते हैं, तो अत्यधिक वर्षा होने के कारण नदियों की क्षमता से जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है और उसका अपव्यय बढ़ने लग जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। सूखा किसे कहते हैं, तो कई महीनों अथवा वर्षों तक जब जल आपूर्ति में कमी हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। अठारहवां हमारा मृदा का लवणीकरण से क्या आशय है, तो ऐसी मृदा जिसमें घुलनशील लवणों यानी नमक जो होता है वो अधिकता के कारण बीज में अंकुरण पौधे का विकास नहीं होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मृदा का लवणीकरण कहते हैं। 19वां भाखड़ा नागल परियोजना का एक उद्देश्य लिखिए, तो ये जल और विद्युत उत्पादन दोनों करता है, ये जल विद्युत उत्पादन करता है। 20वां बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में, तो किसमें, मेघालय राज्य में। उसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4 और ये हमारा कृषि, तो इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा सही विकल्प चुन करके लिखिए, पहला कृषि एक व्यवसाय है, तो कृषि एक हमारा कैसा व्यवसाय है, तो प्राथमिक व्यवसाय है। दूसरा है कर्तन दहन कृषि प्रणाली का संबंध निम्न में से किससे है, तो ये किससे है हमारा, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि से। तीसरा है हमारा मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है, बेबर के नाम से।
चौथा है आश अमन बोरो, निम्न में से किस फसल की किस्म है, तो ये कौन सी फसल की है, धान की है। उसके बाद में अगला है हमारा पांचवा, गन्ने की फसल का संबंध किस जलवायु से है, तो इसका संबंध किस जलवायु से है, तो ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय से। छठवां, भारत का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है, तो इसमें से कौन सा है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, 200 दिन पाला रहित और खिली धूप निम्न में से किस फसल की आवश्यक दशा है, तो ये कौन सी फसल के लिए, कपास के लिए। आठवां, निम्न में से किस फसल को पीला सोना कहा जाता है, तो ये पीला सोना किसको कहा जाता है, सोयाबीन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं निम्न में से क्या कहलाती हैं, तो ऐसी फसलों को हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ की फसल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दसवां, निम्न में से कौन सी रबी फसल है, तो रबी फसल इनमें से कौन सी है, चना हमारा रबी फसल है। उसके बाद में नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, दीपा कहा जाता है। नेक्स्ट है, दूसरा, देश में मूंगफली का प्रमुख उत्पादन राज्य है, तो कौन सा है, गुजरात है। तीसरा है, कपास जूट सन फसलों के नाम है, तो कौन से, खरीफ फसलों के नाम है। चौथा है, देश में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, केरल है। पांचवा, भारत में कॉफी की प्रमुख किस्म है, तो कौन सी है, अरेबिका। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां, तो छठवां है हमारा, गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। सातवां है, ग्राम स्वराज की अवधारणा की देन है, तो किसकी है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट हमारा चौथा सत्य, सत्य लिखिए, जीविका निर्वाहन में कृषि के उत्पादन में अधिक होता है, तो ये कैसा है, असत्य है। नेक्स्ट है, मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को पामलू कहा जाता है, तो ये कैसा है, सत्य है। तीसरा है, कृषि भूमि पर बढ़ता जनसंख्या का दबाव गहन जीविका कृषि की विशेषता है, तो ये तीसरा कैसा है, सत्य है। चौथा है, ज्वार बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज की किस्म है, तो ये कैसा है, सत्य है। पांचवा है, कपास उत्पादन में महाराष्ट्र देश का सर्व प्रमुख राज्य है, तो ये भी कैसा है, सत्य है। छठवां है, रबड़ का पौधा भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है, तो ये कैसा है, सत्य है। सातवां है हमारा, असम देश का सबसे अधिक चाय पत्ती उत्पादन वाला राज्य है, तो ये कैसा है, सत्य है। आठवां है, कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली योजना का नाम हरित क्रांति है, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है। नाइन्थ है, बाजरा के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान है, तो ये कैसा है, सत्य है। दसवां है, भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कैसा, सत्य है। उसके बाद में अगला हमारा, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो पहला है, कपास के पौधे का मूल स्थान किस देश को माना जाता है, किसको माना जाता है, भारत को। दूसरा है, ग्रीष्म काल में बोई जाने वाली हरे चारे व सब्जियों की कृषि को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, जायद कृषि या फसल कहा जाता है। तीसरा है, दालों के उत्पादन और उपयोग में विश्व में भारत का स्थान है, तो भारत का कौन सा है, प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है चौथा, चाय की खेती किस प्रकार की कृषि है, तो ये कौन सी है, रोपड़ कृषि। पांचवा, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो ये जूट को क्या कहा जाता है, सुनहरा रेशा कहा जाता है। छठवां, असली और सरसों, अलसी और सरसों किस ऋतु में बोई जाती है, तो ये वर्षा ऋतु में के प्रारंभ में बोई जाती है। सातवां, देश के सबसे प्रमुख तिलहन फसलों का नाम लिखिए, तो कौन सी है, मूंगफली। आठवां, सन 1966 से 1967 में सरकार द्वारा किसानों के हित में किस योजना को शुरू किया गया, तो किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को शुरू किया गया। नाइन्थ है, नाबार्ड की स्थापना किस सन में की गई, तो ये 12 जुलाई 1982 में की गई। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा टेंथ, किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC योजना किस वर्ष में शुरू की गई, तो कब की गई, 1998। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल का नाम लिखिए, तो गेहूं और चावल। उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये हम लोग किसी नेक्स्ट उसमें वीडियो में देखेंगे, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। पांचवा चैप्टर है हमारा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ठीक है। तो जो ये हमारा चैप्टर है, इससे हमारे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आने नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ करके नेक्स्ट चलते हैं। तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है अगला चैप्टर है हमारा 6, विनिर्माण उद्योग। तो छठवां हमारा विनिर्माण उद्योग में हम लोग सीधे ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो पहला है, सही विकल्प चुन करके लिखिए, और इसमें पहला है हमारा, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, दो। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है,
इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? गन्ना उद्योग। तीसरा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक उद्योग है? तो उर्वरक उद्योग हमारा कौन सा है? डीएपी उद्योग। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा, भारत के किस राज्य में चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो किसमें होता है? उत्तर प्रदेश में। पांचवा, निम्न में से उपभोक्ता आधारित उद्योग है, तो इसमें से कौन सा है? चीनी उद्योग है। उसके बाद में अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है हमारा, भारत विनिर्माण उद्योग से कुल घरेलू उत्पादन का प्रतिशत प्राप्त करता है, तो कितना करता है? 17.2%। दूसरा है, भारत में रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में स्थान है, तो कौन सा है? तीसरा। तीसरा, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का प्रतिशत उत्पादन करते हैं, कितना करते हैं? 50%। चौथा है, बोकारो इस्पात संयंत्र सन में स्थापित किया गया, कब किया गया? 1972। पांचवा, बजाज ऑटो उद्योग है, तो ये कैसा है? निजी उद्योग। छठवा है, स्मेल्टिंग उद्योग है, तो ये कैसा है? धातु शोधन उद्योग। उसके बाद में नेक्स्ट है, सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है हमारा उर्वरक उद्योग, तो ये क्या है? यूरिया। रासायनिक उद्योग, तो ये हमारा कौन सा है? प्लास्टिक। नेक्स्ट है मोटर गाड़ी, तो मोटर गाड़ी कैसा है? ये हमारा गुड़गांव। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, तो ये हमारा कौन सा है? बेंगलुरु। नेक्स्ट है ऑल इंडिया लिमिटेड, तो ये हमारा कैसा है? संयुक्त उद्योग। और छठवा, बजाज ऑटो लिमिटेड, तो ये कैसा है? धातु शोधन है, या फिर ये निजी उद्योग है जो कैसा है? धातु शोधन का काम करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सत्यसत, तो इसमें पहला है हमारा, कृषि का उद्योग एक दूसरे के पूरक है, तो ये कैसा है? सत्य। तृतीय, कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, तो कैसा है? असत्य है। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग जैसे रिलायंस टिस्को है, तो कैसा है? असत्य है। चौथा, उर्वरक बनाने का कच्चा माल लोहा, अयस्क, कोयला एवं चूना है, तो कैसा है? असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, BHEL उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली भारत में स्थित है। नेक्स्ट है, टिस्को किस प्रकार का उद्योग है? तो ये निजी क्षेत्र का उद्योग है। नेक्स्ट है, बॉक्साइट किस उद्योग के लिए कच्चा माल प्रयुक्त करता है? तो ये अल्युमिनियम के लिए। चौथा है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों में कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अगला जो चैप्टर है वो है हमारा सेवंथ। तो सातवां चैप्टर है हमारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, तो इसको हम लोग देखते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव है हमारा, पहला है सही विकल्प चुन करके लिखिए, जिसमें है हमारा, दो दूरस्थ स्थित स्थान जो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो वह हमारा सिलचर तथा पोरबंदर। दूसरा हमारा, स्थानांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? पाइपलाइन। तीसरा हमारा, हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, तो इससे हमारा कौन सा नहीं जुड़ा है? तो इससे हमारा महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है। उसके बाद में अगला है चौथा, पूर्वी तट पर स्थित पतन जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? विशाखापट्टनम। पांचवा, भारत का प्रमुख परिवहन का साधन है, तो भारत का प्रमुख परिवहन का साधन क्या है? सड़क परिवहन। छठवा है, दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा, जल परिवहन देश का सबसे परिवहन का साधन है, तो ये कैसा है? सस्ता परिवहन साधन है। दूसरा, भारत विश्व के सर्वाधिक जाल वाले देशों में से एक है, तो ये कौन सा? सड़क। तीसरा हमारा, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर द्वारा ले जाया जाता है, तो कैसे? पाइपलाइनों द्वारा। चौथा है, परिवहन तीव्रतम आरामदायक एवं प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है, तो ये क्या है आएगा? इसका वायु परिवहन। नेक्स्ट है पांचवा, एयर इंडिया घरेलू और वायु सेवाएं भी प्रदान करती है, तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करती है। छठवा, पर्यटन को प्रोत्साहित करता है, तो ये राष्ट्रीय एकता पर्यटन को प्रोत्साहित करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग हमारा किसको जाकर के मिलेगा? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को। नेक्स्ट है राज्य राजमार्ग, तो ये हमारा किसको करेगा? सार्वजनिक निर्माण विभाग को। तीसरा है सीमा सड़क संगठन, तो ये हमारा भारत सरकार प्राधिकरण। चौथा हमारा ज्वारीय पतन, तो ये आएगा हमारा कांगला। नेक्स्ट है पांचवा, अंतःस्थलीय नदीय पतन, तो ये हमारा जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट है हमारा छठवा, कृत्रिम पतन, तो ये जाएगा हमारा चेन्नई। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सत्य सत्य लिखिए। तो पहला है इसमें हमारा, भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ,
ठीक है सर, सत्य। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड सत्य, सत्य परिवहन संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये सत्य है। तीसरा भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है, तो ये हमारा असत्य है। चौथा हमारा पावन हंस का एक हेलीकॉप्टर सेवा है, तो ये हमारा क्या असत्य है। पांचवा है पारादीप पतन महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये हमारा कैसा असत्य है। छठवां है हमारा हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य यमुना नदी जलमार्ग है, तो कैसा असत्य है। नेक्स्ट है कोकण रेलवे का विकास भारत के पूर्वी तट पर किया गया, तो ये कैसा असत्य है। उसके बाद में एक शब्द और एक वाक्य में आंसर दीजिए। तो पहला है राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। दूसरा है किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसका सूचक होता है, तो ये किसका होता है, आर्थिक वैभव का। तीसरा है आयात और निर्यात के अंतर से क्या निर्धारित होता है, तो ये क्या होता है, देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। चौथा है हमारा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो ये कब हुआ, 1953 को। पांचवा है हमारा भारत के प्रमुख पतनों की संख्या कितनी है, तो 12 प्रमुख तथा 200 मध्य व छोटे पतन है। छठवां है किस पतन को दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कौन सा है, कोंगड़ा को। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सातवां भारत में अंतरस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो ये कितनी है, 14,500 किलोमीटर लंबा है। आठवां है भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है, तो कितने में किया गया, 16। नाइन्थ है इसकी सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो ये कौन सी है, अटल टनल। उसके बाद में नेक्स्ट है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये आपको करने हैं, और अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके दोगे तो फिर ये हम आपको बता देंगे। उसके बाद में अगला है हमारा मानचित्र पर आधारित प्रश्न, तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है सही विकल्प चुन करके लिखिए, तो ये जो हमारे मानचित्र के ऊपर है ये आपको मानचित्र में देखना है कि कौन सी जगह कहाँ है। तो जैसे हमारा ये लद्दाख है, ठीक है, यहाँ पे काली मिट्टी का क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार है, और ये हमारा क्या है, थार का कामना है, ठीक है, और ये ऐसी चीजें ये आपको सारी देख लेनी है। जैसे राणा प्रताप यहाँ पे है, बांधवगढ़ यहाँ पे है, कॉर्बेट राउत यहाँ पे है, हीराकुंड बांध इधर है, सरदार सरोवर बांध, नागार्जुन बांध, पेरियार बांध, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चावल उत्पादन उत्तराखंड, और ये यहाँ पे चाय वगैरह गेहूँ की प्रमुख फसलें यहाँ पे है, और ये गुजरात में कपास यहाँ होता है, गेहूँ उत्पादन और दालें ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, कपास महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है, कर्नाटक में भी कपास ज़्यादा होता है, और बाग उत्पादन ये हमारा केरल में है, इधर हमारा ये तमिलनाडु में प्रमुख, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है मैप में। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे और वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। जब भी आप वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो उसमें हमारा थोड़ा सा ध्यान रखना रेवेन्यू का, जिससे कि क्या हो, हम आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी ऐसी चीज़ें देते रहे। पहला हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो ये स्मरणीय बिंदु, इनको हम लोग छोड़ करके चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें सही विकल्प का चुनकर चयन कीजिए। पहला फ्रेडरिक सरयू कलाकार थे, तो इसका आंसर क्या आएगा, फ्रेडरिक सरयू कलाकार कैसे थे, तो ये फ्रांस के थे। दूसरा हमारा फ्रेडरिक सरयू ने चित्रों की श्रृंखला बनाई, तो कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई, 4 की। तीसरा आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है, तो ये किस बात का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, तो ये है जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन है, तो ये कथन किसका है, तो ये मैटरनिक का। नेक्स्ट है यूरोपियन सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है, यूनान को। नेक्स्ट है हमारा छठवां वॉल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, स्लाव कहा जाता है। सातवां है फ्रांस में सिक्कों का डाक टिकटों का किसकी छवि अंकित की गई है, तो ये किसकी की गई है, तो ये की गई है मौर्यान की। आठवां है मोटरनिक ने किसे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया, तो ये किसे बताया, तो ये मैथसन को बताया। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नाइन, तो नाइन है 1834 में पिरसा में स्थापित हुई जाल वेराइन का संबंध है, तो ये किससे संबंधित है, शुल्क संघ से। दसवां हमारा मेटरनिक चांसलर था, तो मेटरनिक चांसलर कौन सा था, ऑस्ट्रिया का था। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला रिक्त स्थान है हमारा जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ ने डिजाइन किया था, तो किसने किया था, एड्रियस रेबमान ने किया था।
उसके बाद में अगला है हमारा, नेक्स्ट है दूसरा, 1804 की नागरिकता संहिता को संयंत के नाम से जाना जाता है, तो ये क्या आएगा, नेपोलियन। तीसरा है यंग यूरोप की स्थापना में हुई, तो ये कब हुई, 1834 में। चौथा है कि संधि ने यूनान को एक राष्ट्र की मान्यता दी, तो कौन सी संधि ने दी थी, प्रस्तुत दुनिया की संधि ने। पांचवा, 1934 में की पहल पर एक शुल्क संघ स्थापित किया, तो किसकी, पिरसा की पहल पर। नेक्स्ट हमारा छठवा, 1813 में फ्रांस लौटते हुए नेपोलियन को के रूप में दर्शाया गया, तो किसके रूप में दर्शाया गया, तो डाकिये के रूप में दर्शाया गया। उसके बाद में नेक्स्ट है सातवां, तो सातवां है फ्रेडरिक लिस्ट के प्रोफेसर थे, तो ये कौन थे, अर्थशास्त्र। आठवां है कि नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ, तो किसके, पिरसा के नेतृत्व में। नाइन्थ है मरियान की तस्वीर गणराज्य का प्रतिनिधि करती है, तो ये कौन करती है, फ्रांसीसी। दसवां है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ, तो ये कब हुआ, 1789। उसके बाद में नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए, तो पहला हमारा फ्रेडरिक सरियू, तो ये किसको जाकर के मिलेगा, फ्रांस को। दूसरा है नेपोलियन की हार, तो ये किसको जाकर के मिलेगा, 1815। नेक्स्ट है मोरसेई, तो मोरसेई हमारा क्या है, ये यंग इटली। चौथा है हमारा बर्न, तो बर्न क्या है, यंग यूरोप। पांचवा है हमारा यूहान गॉटफ्रीड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जर्मन दार्शनिक। छठवा है हमारा एड्रियास रेबमान, तो ये हमारा किसको जाकर के मिलेगा, तो ये जर्मन पंचांग। नेक्स्ट है सातवां है हमारा जाल वेराइन, तो ये हमारा किसको जाकर के मिलेगा, तो शुल्क संघ। आठवां हमारा मैटरनिक, तो मैटरनिक हमारा किसको जाकर के मिलेगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर। नाइन्थ है हमारा फ्रैंकफर्ट सांसद, तो ये हमारा किसको जाकर के मिलेगा, सेंट पॉल चर्च। नेक्स्ट है दसवां जर्मेनिया, तो ये हमारा किसको जाकर के मिलेगा, तो ये जर्मन राष्ट्र का रूपक। उसके बाद में नेक्स्ट है सत्य सत्य लिखिए, तो पहला हमारा विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना विद्रोह ने की, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा हमारा 19वीं सदी के मध्य में इटली 10 राज्यों में बटा था, तो ये हमारा कैसा है, असत्य है। तीसरा लाल टोपी तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता का गणतंत्र के चिन्ह है, तो ये भी हमारा कैसा है, सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा, तो चौथा नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ, तो ये कैसा है, सत्य है। पांचवा 1861 में एमैनुअल द्वितीय का एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है। छठवा है हमारा गैरिबाल्डी व्यापारिक नौसेना में एक सैनिक था, तो ये कैसा है, असत्य है। सातवां हमारा जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गया, तो कैसा है, सत्य है। आठवां वियना संधि 1820 में हुई, तो ये कैसा है, असत्य है। नाइन्थ है इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, तो ये कैसा है, सत्य है। दसवां आयरलैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में बटा हुआ था, तो कैसा है, सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अगला है हमारा सेकेंड अध्याय भारत में राष्ट्रवाद, तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद का, सही विकल्प का चयन कीजिए। सन 1921 में जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण कितने लोग मारे गए, तो ये कितने लोग मारे गए, 120 से 130 लाख। दूसरा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो ये कब लौटे, 1915 में। नेक्स्ट है असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये कब शुरू हुआ, तो ये जनवरी 1921 में शुरू हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा, तो ये हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है, ये महात्मा गांधी जी ने लिखी है। पांचवा है डॉक्टर अंबेडकर ने पूना एक्ट पर हस्ताक्षर कब किए, तो इन्होंने कब किए, तो सितंबर 1932 में। नेक्स्ट है जनरल डायर का संबंध किस घटना से है, तो जनरल डायर का संबंध किस घटना से, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सातवां बरदोली सत्याग्रह का संबंध किस से है, तो ये हमारा किससे है, वल्लभ भाई पटेल से। उसके बाद में अगला है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला रिक्त स्थान है भारत छोड़ो आंदोलन में शुरू हुआ, तो ये कब हुआ, 1942 में शुरू हुआ। दूसरा है के दशक में वंदे मातरम गीत लिखा गया, तो कब लिखा गया, 1870 में। तीसरा है 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, तो कौन थे, सर मोहम्मद इकबाल। चौथा है भारत माता की विख्यात छवि को ने चित्रित किया, तो किसने किया, बंकिम चंद चट्टोपाध्याय ने। पांचवा है गांधी जी ने स्वराज का झंडा तक तैयार कर लिया था, तो कब तक कर लिया था, 1921 तक। छठवा है मुस्लिम लीग की स्थापना सन में की गई, कब की गई, 1930 में। सातवां स्वराज पार्टी का गठन में किया गया, तो कब किया गया, 1923।
आठवां गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह में किया गया, तो ये कब किया गया, 1917 में। उसके बाद में नेक्स्ट है सही जोड़ी, तो पहला है रॉयल एक्ट, तो ये कब हुआ, 1919। दूसरा है हमारा हिंदू स्वराज, तो ये जाएगा 1909। तीसरा है हमारा इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट, तो ये जाएगा हमारा 1859। चौथा है अलूरी सीताराम राजू, तो ये जाएगा हमारा 1924। और पांचवा महात्मा गांधी इरविन समझौता, तो ये जाएगा 1931। नेक्स्ट हमारा सत्य पहला है, 1939 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, तो ये हमारा कैसा है, सत्य। दूसरा है 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की का गठन हुआ, तो ये कैसा है, हमारा सत्य। तीसरा, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मार्च 1933 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई, तो ये हमारा कैसा है, असत्य। उसके बाद में चौथा है हमारा, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई, तो ये हमारा चौथा कैसा है, सत्य। पांचवा है अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे, तो ये कैसा है, सत्य। छठवां है हमारा, 1859 में इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट लाया गया, तो ये भी कैसा है, सत्य। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अगला चैप्टर, तो इसके बाद वाला चैप्टर है हमारा ये थोड़ा सा नेक्स्ट हमारा थर्ड चैप्टर, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना है, जिससे कि ये सारी चीजें आपको क्या हो जाए, जल्दी से जल्दी याद हो जाए, ठीक है। आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े और कम टाइम में ये ज्यादा से ज्यादा रिकॉल हो जाए। और साथ ही आप ऐसा भी कर सकते हो कि दूसरा कोई काम करते हुए भी इसको कर सकते हो, जैसा मतलब खाना खाते टाइम या फिर कोई और काम करते टाइम इस वीडियो को देखोगे, तो ये आपको क्या हो जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा। तीसरा चैप्टर है हमारा थर्ड, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इसके हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो पहला है हमारा रिटर्नर पेस्ट क्या है, तो ये हमारा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक बीमारी है। दूसरा है इसमें से कौन से मित्र राष्ट्र थे, तो कौन से मित्र राष्ट्र थे, ब्रिटेन फ्रांस और रूस। उसके बाद में तीसरा है, निम्न में से किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों पर वीटो का प्रभावशाली अधिकार है, तो ऐसा किसके पास है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा चौथा, किस सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध कम करना शुरू किया और वह अलग अलग पढ़ने लगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 15वीं सदी से। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा, एशिया और यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्क मार्ग। छठवां है, निम्न में से किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ लागू किया, तो ये किसने किया था, ब्रिटेन ने। सातवां, लगभग 500 साल पहले निम्न में से किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था, तो वो किसके बारे में नहीं था, आलू के बारे में। नेक्स्ट है उसके बाद में आठवां, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमतें 50% तक क्यों गिर गई, तो ये क्यों गिर गई थी, तो इसका कारण था महामंदी के कारण। उसके बाद में अगला है हमारा 9th नंबर का, तो यह है, आधुनिक युग से पहले निम्न में से किस में सिल्क रूट का उपयोग नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये है पर्यटक में। नेक्स्ट है, दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है, तो ये क्या है, तो ये किंवदंतियां की बदौलत सोने का शहर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल डोराडो। उसके बाद में नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और पहला है गिरिमटिया को कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है, श्रमिकों को। दूसरा है भूमंडलीकरण की शुरुआत के दशक में हुई, तो 1990 के। उसके बाद में तीसरा है हमारा, ब्रिटेन वुड सम्मेलन वर्ष में हुआ, तो ये कब हुआ, 1944। चौथा, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार बाजार था, तो कौन सा था, वस्त्र उद्योग। पांचवा है, नूडल्स राष्ट्र से पश्चिमी देशों में पहुंचे थे, तो कहां पहुंचे थे, चीन बाजार में ये पहुंचे थे, ठीक है। उसके बाद में छठवा है, द्वितीय विश्व युद्ध से तक लड़ा गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा गया। सातवा, प्रथम विश्व युद्ध से शुरू हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ। आठवा है, प्राचीन काल में मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो कौन से मार्ग से होता था, सिल्क मार्ग से। नाइन्थ, भारत में पैदा होने वाली महीन कपाल को निर्यात किया जाता है, तो भारतीय कपाल को निर्यात किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है दसवां, आर्थिक मंदी की शुरुआत में हुई थी, तो ये कब हुई थी, 1929 में शुरुआत हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो इसका पहला है, एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को
खारिज करने का आधार बन जाती है को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वीटो कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरा, ये वीटो पावर पूरी दुनिया में मतलब लागू होता है। दूसरा, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो कौन सा आया? अलेक्जेंड्रिया। तीसरा है, सिंधु सभ्यता के दौरान कौड़ियों का क्या उपयोग था? तो कौड़ियों का प्रयोग पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चौथा है, किसी दूसरे राष्ट्रों से आने वाली चीजों को वसूल किया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। पांचवा है, 19वीं सदी में लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए? तो करीब 5 करोड़ लोग जाकर के बस गए। छठवा है, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली? तो किस में फैली? अफ्रीका में। सातवा है, भारत में ग्लोबलाइजेशन कब शुरू हुआ? तो भारत में कब हुआ? 1991 में। उसके बाद में आठवां है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो ये किस क्रांति के बाद हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद। नाइन्थ, द्वितीय युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? तो ये किसका हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। दसवां है, G77 क्या है? तो G77 विकासशील देशों का एक समूह है। उसके बाद में नेक्स्ट है सत्यसत, तो पहला है हमारा, भारत में 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए, तो इसका आंसर क्या है? सत्य है। दूसरा, टी मॉडल नामक कार उत्पादन प्रौद्योगिकी से बनी पहली कार थी, तो ये कैसा है? सत्य है। तीसरा है, अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी, तो ये भी कैसा है? सत्य है। चौथा है, विल्ज नदी को पार करना ट्रांसवॉल की सेना सोना खदानों तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था, तो ये भी हमारा कैसा है? सत्य। उसके बाद में नेक्स्ट है पांचवा, तो पांचवा, 1890 के दशक तक आते आते दुनिया भर में सोना उत्पादन में अफ्रीका का हिस्सा 20% से भी ऊपर जा चुका था, तो ये हमारा कैसा है? सत्य। छठवा, पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, तो ये भी कैसा है? सत्य। सातवा, 1921 में हर 5 में से 1 ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था, तो ये क्या है? सत्य। उसके बाद में अगला है आठवा, तो आठवा है, प्रथम महायुद्ध विश्व युद्ध में 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हुए, तो ये कैसा है? सत्य। नाइन्थ है, कार निर्माता हेनरी फोर्ड बृहद उत्पादन के विख्यात प्रेरणा थे, तो इसका आंसर क्या है? नाइन्थ का ये सत्य। दसवा, औद्योगिकीकरण के बाद ब्रिटेन में कपास का उत्पादन घटने लगा था, तो ये कैसा है? असत्य। उसके बाद में नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो आप ये कमेंट करोगे तो ये हम आपको बता देंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। अभी हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, तो नेक्स्ट है हमारा चौथा चैप्टर, तो फोर्थ चैप्टर की तरफ चलते हैं। चौथा है हमारा औद्योगिकीकरण का युग, इसमें पहला है हमारा प्राच्य से क्या अभिप्राय है, तो जो प्राच्य है वो हमारा किससे यूज होता है? तो ये भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो ये कौन सा शहर जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन। तीसरा है, स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो ये किसमें की? कताई में। चौथा है, कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले? तो ये कौन से दशक में खुले? 1730 के दशक में। अगला है पांचवा, तो ये सन 1900 में संगीत की किताब किसने प्रकाशित की? तो ये संगीत की किताब किसने की थी? तो ईटी पाल ने। छठवा, सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सातवां, देश का पहला लोह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला कहाँ किया गया? जमशेदपुर में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा आठवां, तो आठवां, जेम्स वाट ने किसके बनाए गए भाप इंजन में सुधार किया? तो ये किसके भाप इंजन में किया? तो ये न्यूकॉमेन। नाइन्थ है, कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी थे, तो ये व्यवसायी कौन से थे? तो इनका नाम हो जाएगा सेठ हुकुमचंद। उसके बाद में नेक्स्ट है दसवां क्वेश्चन, तो दसवां है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई? तो किस उद्योग से हुई? तो ये वस्त्र उद्योग। ग्यारहवां, भारत की पहली कपड़ा मिल कौन से सन में लगाई गई? तो किस में लगाई गई? 1854 में। उसके बाद में नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और पहला है, भारत देश की पहली कताई एवं बुनाई में मद्रास में खोली गई, तो ये कब खोली गई? 1874 में। दूसरा, आर्थिक मंदी के दशक में आई थी, तो कब आई थी? 1929 में। तीसरा है, के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा हुआ था, तो ये सूरत के बंदरगाह से। चौथा है, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए एक रखते थे, तो क्या रखते थे? तो एक जॉबर रखते थे।
पांचवा है भाई भोसले बंबई के कार्यकर्ता थे, तो ये भाई भोसले बंबई के ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता थे। छठवां है भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें दिखाई देता था, तो उनमें क्या दिखाई देता था, राष्ट्रवादी संदेश दिखाई देता था। सातवां है ने 1764 में स्पिनिंग जेनी बनाई, तो जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 में स्पिनिंग जेनी बनाई। उसके बाद में आठवां है उत्तर भारत में एल्गिन मिल के दशक में कानपुर में खुली, तो ये कब खुली, 1860 के दशक में। नाइन्थ है बंगाल के व्यवसायी द्वारकानाथ टैगोर ने किस साथ व्यापार किया, तो किसके साथ किया, चीन के। दसवां है गिल्ड्स के संगठन होते थे, तो कैसे होते थे, गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। उसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा, तो ये सूरत बंदरगाह, इसका सत्य सत्य बताना है, सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये हमारा कैसा है, असत्य है, सूरत का है गुजरात में। दूसरा, जेम्स वॉट ने न्यूकॉमैन द्वारा बनाए भाप के इंजन में सुधार किया, तो ये कैसा, सत्य है। तीसरा है ऑर्काइड ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, तो ये कैसा, असत्य है। चौथा है ईटी पॉल की म्यूजिक कंपनी की संगीत किताब सन 1800 में प्रकाशित हुई, तो ये कैसा, असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा, तो फिफ्थ नंबर का है भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन में राष्ट्रीय संदेश साफ रखा था या साफ रहता था, तो ये कैसा है, सत्य। छठवां, बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, छठवां, सत्य। सातवां है भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में बंबई में लगाई गई थी, तो ये भी कैसा, सत्य। उसके बाद में आठवां, दो जादूगरों की तस्वीर इंग्लैंड प्रिंटर्स में प्रकाशित हुई, तो ये भी कैसा, सत्य। नाइन्थ है औद्योगिकरण की शुरुआत में कपास उद्योग सबसे बड़ा उद्योग था, तो ये भी सत्य। दसवां है जमशेदपुर में भारत का पहला लोह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया, तो ये भी कैसा, सत्य। उसके बाद में नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाओ, तो पहला है हमारा फुलर, तो ये जाकर के हमारा मैच करेगा फुलर, ये करेगा चुन्नटों के सहारे कपड़ों की समेटना। दूसरा है यूरोपीय प्रबंधकीय, तो ये हमारा जाकर के मिलेगा वर्ल्ड हीगलर्स एंड कंपनी। तीसरा है जॉबर, तो जॉबर हमारा जाकर के मिलेगा सरदारिया मिस्त्री। चौथा हमारा सनलाइट सावन कैलेंडर, तो ये चौथा हमारा जाकर के मिलेगा किसको, तो ये हो जाएगा विष्णु भगवान। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा स्पैटलर, तो स्पैटलर हमारा जाकर के मिलेगा रेसों के हिसाब से उनको छांटना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट छठवां है पहला लोह इस्पात संयंत्र, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जमशेदपुर। नेक्स्ट है ईटी पाल, तो ईटी पाल का हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा संगीत की किताब। नाइन्थ है द्वारकानाथ टैगोर, तो द्वारकानाथ टैगोर का क्या हो जाएगा, तो इन्होंने तो मतलब वो द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ में संबंध स्थापित किए, तो इनका हो जाएगा ये लास्ट वाला, यानी जहाज रानी। और उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा औद्योगिक क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई, इंग्लैंड से। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा जो अगला है, तो वो है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो इसका पहला है नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए कौन सा तरीका है, तो ये कौन सा है, विज्ञापन। दूसरा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, तो किसने किया, जेम्स हरग्रीव्स ने। तीसरा है हमारा नए युग का पहला प्रतीक किस उद्योग को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, कपास उद्योग को। चौथा, 1900 सदी की शुरुआत में इंग्लैंड में भाप के कितने इंजन थे, तो ये कितने थे, 321। पांचवा है भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो ये कहाँ स्थापित किया गया, जमशेदपुर। उसके बाद में अगला है छठवां, तो सिक्स नंबर का है हमारा रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला यांत्रिक औजार क्या कहलाता है, तो क्या कहला जाता है, फ्लाइंग शटर। नेक्स्ट है सातवां, बच्चों की चीजों का प्रचार करने के लिए किस भगवान की छवि इस्तेमाल किया जाता है, तो बाल कृष्ण की छवि। आठवां है इंग्लैंड में कौन से दशक से रेलवे का विस्तार होने लगा, तो किससे होने लगा, 1860 के दशक से। नाइन्थ, किसने पहली बार सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार की, तो किसने की, रिचर्ड आर्कराइट ने। दसवां हमारा इंग्लैंड में रेलवे कारखाने फिटिंग शॉप में क्या बनाया जाता था, तो इसमें क्या बनाया जाता था, नए लोकोमोटिव इंजन बनाए जाते थे जो पुरानी की मरम्मत करा करते थे। नेक्स्ट, पूर्व औद्योगिकरण क्या है, तो इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था, यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार इसी चरण को आदि को पूर्व औद्योगिकरण का नाम दिया। उसके बाद में नेक्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
उसके बाद में अगला चलते हैं पांचवें चैप्टर की तरफ। तो पांचवा है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो ये वाला पोर्शन इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है तो इसको हम लोग स्किप करे दे रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। तो ये है हमारा राजनीतिक विज्ञान यानी लोकतांत्रिक राजनीति। तो इसका पहला चैप्टर है हमारा, इसमें चार बुक है जिसमें से दो हमने कंप्लीट कर ली है। तो इसके नेक्स्ट है हमारी सत्ता की साझेदारी। तो इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा सत्ता की साझेदारी का। तो इसमें हमारा श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो ये हमारा बना था 1948 में। दूसरा है बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है, तो बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है, यूरोप में। तीसरा है श्रीलंका का प्राचीन नाम स्थित है, तो श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा हमारा सिंहली। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है, तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है, 18 वर्ष। पांचवा, भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, तो भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, तो ये नेपाल है। छठवां, शासन के विभिन्न अंग कितने हैं, तो शासन के विभिन्न अंग कितने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 है। उसके बाद में सातवां है, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को कहते हैं, तो सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं, तो इस सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। आठवां है, लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, तो लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, समानता व भाईचारा। उसके बाद में नाइन्थ है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय क्या है, बेल्जियम। उसके बाद में नेक्स्ट है दसवां, सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि, तो सत्ता की साझेदारी सही क्यों है, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। उसके बाद में नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमारा पहला रिक्त स्थान है 1950 से 1960 के दशक में और बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा, तो किसमें, फ्रेंच और डच बोलने वाले के बीच। दूसरा है, महात्मा गांधी के अनुसार राज वास्तव में लोकतांत्रिक की स्थापना करता है, तो कौन सा करता है, पंचायती राज। तीसरा है, सत्ता की साझेदारी की आत्मा है, तो लोकतंत्र सत्ता की साझेदारी की क्या है, आत्मा है। नेक्स्ट है चौथा, केंद्र व राज्य सरकारों के अलावा बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार को सरकार कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सामुदायिक सरकार कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। छठवां है हमारा, फ्लेमिलिया के में लोग भाषा बोलते हैं, तो इसमें कौन सी भाषा बोलते हैं, डच बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है सातवां, सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो ये कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आठवां हमारा, श्रीलंका में सर्वाधिक धर्म के लोग हैं, तो श्रीलंका में सर्वाधिक किस धर्म के, सिंहली धर्म के। नाइन्थ के संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में 10 और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी, तो ये क्या है हमारा, बेल्जियम। दसवां हमारा, राजनीति दल के अलावा विभिन्न सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करती है, तो किसको, दबाव समूह। नेक्स्ट उसके बाद में सही जोड़ी बनाओ। तो पहला है हमारा गृह युद्ध, तो ये जाकर के मिलेगा असंगठित गुटों के बीच युद्ध। दूसरा है हमारा LTTE, तो ये जाकर के मिलेगा हमारा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। नेक्स्ट है हमारा लोकतंत्र, तो ये जाकर के मिलेगा जनता का शासन। नेक्स्ट है बेल्जियम, तो बेल्जियम हमारा ब्रुसेल्स। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर जो सरकार बनाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, गठबंधन सरकार कहते हैं। उसके बाद में अगला चलते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर की तरफ। तो ये है हमारा दूसरा, संघवाद, ठीक है। तो इसके सीधे हम लोग ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा संघवाद में, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों को निपटारा करता है, तो इन विवादों को निपटारा कौन करता है, तो ये करता है न्यायपालिका। दूसरा है, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं, तो ये कौन सी हैं, तो ये नगर निगम। तीसरा, भारतीय संविधान में विषयों का कितनी सूचियां दी गई हैं, तो कितनी सूचियां दी गई हैं, 3। नेक्स्ट है हमारा चौथा, ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की इकाई है, तो इसकी कितनी इकाई है, तो ये क्या है, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है पांचवा, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे, न्यायालय को है। नेक्स्ट है छठवा, भारत ने लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की, तो ये छठवा का क्या हो जाएगा, 1947 से। उसके बाद में नेक्स्ट है सातवा, तो सातवा है बेल्जियम में सरकार है, तो बेल्जियम में किसकी सरकार है, तो ये आ जाएगा संघीय सरकार है। आठवां है, कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है, तो कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है, तो इसका आ जाएगा हमारा कानून। नाइन्थ है, समवर्ती सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय क्या है, शिक्षा। दसवां है, किस सूची में दर्जन विषयों पर संघ और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं,
तो इसका आंसर क्या आएगा, संवर्ती सूची में। उसके बाद में नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और पहला है 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची में रखा गया है, तो ये कौन सी, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। दूसरा है संघवाद में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करती है, तो ये कौन करती है, न्यायपालिका करती है। उसके बाद में तीसरा है भारत में संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो ये कब की गई, तो ये भारत में 73 में संविधान संशोधन में ये व्यवस्था लागू की गई। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा, भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम में उठाया गया, तो ये कब उठाया गया, 1992 में। उसके बाद में पांचवा है हमारा, तो स्थानीय स्वशासी निकायों में महिलाओं के लिए पद आरक्षित हैं, तो कितना है, एक तिहाई। नेक्स्ट है छठवां, नगर निगम का प्रमुख कहलाता है, तो कौन कहलाता है, मेयर। उसके बाद में नेक्स्ट है सातवां, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का घोषित किया गया है, क्या किया गया, संघ घोषित किया गया। आठवां है शिक्षा सूची का विषय है, तो ये कैसा है, शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। नाइन्थ है असम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम संविधान के अनुच्छेद के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं, तो कौन उठाते हैं, 371 अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। दसवां सत्ता का विभिन्न स्तरों के बीच वितरण कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। सुनकर के लिखिए। और फर्स्ट में है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लेंगे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी की ओर पलायन करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण से क्षेत्रों से शहर की ओर पलायन करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं नगरीकरण। नेक्स्ट है सेकंड, निम्नलिखित में से किस में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण स्थान आरक्षित है, तो ये किसके लिए है, पंचायतों के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा, तो तीसरा है कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है, तो इसमें कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वंशानुक्रम। चौथा हमारा, धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष। पांचवा है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या थी, तो ये कितनी थी, तो 919। उसके बाद में नेक्स्ट है छठवां और लास्ट, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता उक्त कथन है, तो ये कथन किसका है, महात्मा गांधी जी का। उसके बाद में नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, तो ये किससे जाना जाता है, महात्मा गांधी जी को। दूसरा है, पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में था, तो किसके, जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ कहाँ था, भारत में था। उसके बाद में अगला है तीसरा, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है, तो ये कितनी है, तो ये है अभी 18 वर्ष। नेक्स्ट है चौथा, समान मजदूरी से संबंधित कानून में कहा गया कि समान काम के लिए दी जाएगी, तो समान काम के लिए क्या दिया जाएगा, समान मजदूरी दी जाएगी। उसके बाद में पांचवा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। छठवां है, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। उसके बाद में अगला है सातवां, 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा थे, तो इसका कितना था, 8.6%। आठवां, लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में होता है, तो क्या होता है, अतिव्यक्त होता है। नाइन्थ है, भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, तो भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद में नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए, तो इसमें पहला है हमारा सिंहली समुदाय, तो ये जो सिंहली समुदाय है ये कहाँ है, श्रीलंका में है। दूसरा है हमारा पितृप्रधान समाज, तो ये हमारा क्या है, भारतीय समाज। नेक्स्ट है तीसरा हमारा पाकिस्तान, तो ये किसको मिलेगा पाकिस्तान, ये इस्लाम धर्म है इसमें। चौथा है भारत में धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति, तो ये किसको जाकर के मिलेगा, सांप्रदायिकता। उसके बाद में पांचवा, इंग्लैंड, तो इंग्लैंड किसको जाकर के मिलेगा, तो ये ईसाई धर्म है इंग्लैंड में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान किसको जाकर के मिलेगा, तो ये मिलेगा पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट है ओलंपिक खेल, तो ओलंपिक खेल किसको जाकर के मिलेगा, तो ये मैक्सिको सिटी में हुए थे लास्ट टाइम। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा अगला चैप्टर, तो अगला चैप्टर है हमारा 6 राजनीति दल, और इसके ऑब्जेक्टिव है नहीं, तो इसको हम लोग छोड़ करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट हमारा 7वां चैप्टर, और 7वां है लोकतंत्र के परिणाम। तो 7वां चैप्टर, इसके सीधे ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम लोकतंत्र के परिणाम के। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है सही विकल्प चुन करके लिखिए, और पहले इसमें लोकतंत्र में
निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों होती है? तो इन दोनों में ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है हमारा लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत में विचार पर आधारित होता है, इसलिए इसमें क्या हो जाती है, देरी हो जाती है, पर इसका डिसीजन कैसा रहता है, अच्छा रहता है। नेक्स्ट है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से हमारा कथन कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला है, अधिकांश लोकतंत्रों में संविधान है, वे चुनाव करते हैं, दल होते हैं और वे नागरिकों को अधिकारों की गारंटी देते हैं। और दूसरा भी हमारा इसका सही है, तो दूसरा है, लोकतंत्र अपनी सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के मामले में एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। उसके बाद में तीसरा है, लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं हो सकता है? तो लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं हो सकता है? तो बहुसंख्यकों का शासन, इससे बहुसंख्यकों से लोकतंत्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा, किस प्रकार की शासन व्यवस्था आमतौर पर सामाजिक प्रतिद्वंद कम करने और सामाजिक तनाव की संभावना को कम करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक शासन। पांचवा है, लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है? तो लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या है, लोकतंत्र मूल की सरकार। उसके बाद में छठवां है, भारतीय लोकतंत्र कैसा है? तो जो भारतीय लोकतंत्र है वो कैसा है, तो वो एक सफल लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उसके बाद में नेक्स्ट है सातवां, तो सातवां है, इन मूलों में से किसका लोकतंत्र में नैतिक और कानूनी प्रबंध है? तो ये ऐसा किसमें है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिंग समानता और जाति आधारित समानता। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा आठवां, लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है क्योंकि यह, तो ऐसा क्यों है, तो ये हो जाएगा नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है और संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है, यानी उपरोक्त सभी। उसके बाद में नाइन्थ है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो लोकतंत्र की सफलता किसके ऊपर निर्भर करती है, तो ये करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। उसके बाद में अगला है हमारा दसवां, तो दसवां है, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक, तो इसका सही कथन क्या है, राजनीति असमानता के विचार को खारिज किया है। उसके बाद में अगला है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है, लोकतंत्र में सरकार चुनी जाती है, तो लोकतंत्र में सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है, जनता द्वारा चुनी जाती है। उसके बाद में अगला है हमारा, सेकेंड है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो भारत दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तीसरा है, तानाशाही विचारधारा का समर्थन करता है, तो ये कौन सा, निरंकुशवाद करता है, तानाशाही विचारधारा का समर्थन कौन करता है, निरंकुशवाद। और उसके बाद में चौथा है, लोकतंत्र लोगों के बीच समाप्त करता है, तो ये क्या करता है, टकराव को समाप्त करता है। पांचवा है, का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो किसका, बहुसंख्यकों का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। उसके बाद में छठवां है, रोजा पार्क्स नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थी, तो किसकी थी, अमेरिका की। नेक्स्ट है सातवां, अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं पाई जाती, तो किस, क्या नहीं पाई जाती, पारदर्शिता। आठवां है, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीति पर आधारित होती है, तो ये क्या है, राजनीति समानता पर आधारित होती है। नाइन्थ है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को बनाता है, तो क्या बनाता है, अनुकूल बनाता है। दसवां है, बांग्लादेश में आधी से अधिक आबादी में जीवन गुजारती है, तो किसमें गुजारती है, निर्धनता में गुजारती है। उसके बाद में इसका नेक्स्ट है हमारा अगला है, सत्य सत्य चुनिए। तो सत्य सत्य में इसका पहला है, लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है, तो ये क्या है, सत्य है। दूसरा है, लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है, तो ये कैसा है, असत्य है। तीसरा है, लोकतंत्र व्यवस्था भ्रष्टाचार से मुक्त है, तो ये भी कैसा है, असत्य है। चौथा है, लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार को जन्म देती है, तो ये कैसा है, सत्य है। पांचवा है, बेल्जियम सामाजिक विविधता में सामंजस्य पर आधारित देश है, तो ये भी कैसा है, सत्य है। छठवां है, लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक है, तो ये कैसा है, सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है सेवंथ, तो ये है, गैर अलोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, तो ये कैसा है, सातवां, असत्य है। आठवां है, लोकतांत्रिक देश में सरकार की नीतियों की आलोचना की जाती है, तो ये क्या है, सत्य है। नाइन्थ है, आर्थिक विकास देश की जनसंख्या के आकार पर निर्भर करता है, तो ये क्या है, सत्य है। दसवां है, लोकतंत्र में नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं मिलता, तो ये कैसा है, असत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा अर्थशास्त्र, जो आर्थिक विकास की समझ, तो पहला चैप्टर है हमारा विकास, तो इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा, सही विकल्प का चयन कीजिए, और इसमें पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः किस देश में विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो किस पर किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता स्तर पर और स्वास्थ्य पर, यानी उपरोक्त सभी पर। दूसरा, मानव विकास में किस पड़ोसी देश की स्थिति भारत से अधिकांशतः बेहतर होती है,
ये किस में होती है? श्रीलंका में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा, तो तीसरा है मानव विकास में भारत में किस राज्य की स्थिति बेहतर होती है, तो ये किस में है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। उसके नेक्स्ट है हमारा छठवां, किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो ये किस राज्य की है? केरल की। सातवां है केरल की मृत्यु दर कम होने का क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य। उसके बाद में आठवां है जीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो जीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा हमारा सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है नाइन्थ, भारत मानव विकास में किस श्रेणी में आता है, तो ये किस श्रेणी में आता है? मध्यम। दसवां, मध्य प्रदेश के किस जिले ने सबसे पहले मानव विकास की रिपोर्ट जारी की थी, तो किसने की थी? सचगढ़ ने। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला है मानव विकास की रिपोर्ट संख्या जारी करती है, तो किसकी करती है? यूएनडीपी संस्था जारी करती है। जो मानव विकास की रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? यूएनडीपी। दूसरा है देश में मानव विकास रिपोर्ट में राज्य सबसे ऊपर है, तो कौन सा है? केरल राज्य सबसे ऊपर है। उसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा, भारत में मानव विकास रिपोर्ट राज्य में सबसे पहले जारी की थी, तो ये किसने की थी? केरल ने जारी की थी। चौथा, साक्षरता में राज्य की स्थिति ने सबसे पहले जारी की थी, तो ये भी किसने किया था? केरल ने जारी किया था। नेक्स्ट हमारा अध्याय दो, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तो इसमें हमारा पहला है अर्थव्यवस्था में कितने मुख्यतः क्षेत्र होते हैं, तो अर्थव्यवस्था में मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीन। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र में जो गतिविधियां शामिल हैं वे हैं, तो वे कौन सी हैं, तो ये परिवहन, संचार और बैंकिंग। तीसरा है देश की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है, तो सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र का। चौथा, किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है, तो किस आधार पर किया गया है? तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। उसके बाद में पांचवा है निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया, तो किस वर्ष किया गया? 2005 में। छठवां है सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्न में से किसके पास होता है, तो इनमें से किसके पास होता है? सरकार के। उसके बाद में अगला हमारा सातवां, कौन सी आर्थिक गतिविधि तृतीय क्षेत्र में नहीं आती, तो इसमें से कौन सी नहीं आती, तो ये मधुमक्खी पालन। आठवां है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? सामाजिक कल्याण व सुरक्षा। उसके बाद में नेक्स्ट है नाइन्थ, तो नाइन्थ है कृषि क्षेत्र में श्रमिक होते हैं, तो कृषि क्षेत्र में श्रमिक कैसे होते हैं? अल्प रोजगार। दसवां है कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इनमें से कौन सा आता है? तो ये संचार तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पर, तो अगला है हमारा तीसरा मुद्रा और साख, तो इसमें हमारा मुद्रा और साख में पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं, तो इसमें जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने एवं बेचने को सहमति रखते हैं तो इसे कहा जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। दूसरा, प्रारंभिक काल में भारतीय किन वस्तुओं को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे, तो किसके रूप में करते थे? अनाज के रूप में भी, पशु, सोना, चांदी, तांबे के सिक्के, अनुपयुक्त सभी। उसके बाद में तीसरा है मुद्रा के आधुनिक रूपों में शामिल है, तो मुद्रा के आधुनिक रूपों में क्या शामिल है? भुगतान का तरीका। चौथा, निम्नलिखित में से ऋण की शर्त नहीं है, तो इनमें से ऋण की शर्त क्या नहीं है? तो ये कर्ज जाल। उसके बाद में पांचवा है समर्थक ऋणाधार के उदाहरण है, तो इसके उदाहरण कौन से हैं? तो जमीन, मकान, बैंकों में जमा पूंजी यानी उपरोक्त सभी। छठवां है ऋण लेते समय कर्जदार के लिए कौन सी ऋण शर्तें उपयोगी नहीं है, तो इनमें से कौन सी नहीं है? समर्थक ऋणाधार। उसके बाद में सातवां है हमारा स्वयं सहायता समूह से बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, तो ये कहाँ लिए जाते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा सदस्यों द्वारा। आठवां है ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, तो इनके औपचारिक स्रोतों में कौन शामिल नहीं है? तो ये नियोक्ता। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ, तो ये निम्नलिखित में से ऋण के अनौपचारिक स्रोत नहीं है, तो इनमें से अनौपचारिक स्रोत कौन नहीं है? बैंक। दसवां है स्वयं सहायता समूह के नियमित बैठकों से लोगों के बीच चर्चा होती है, तो किसकी होती है? तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य एवं पोषण, घरेलू हिंसा, सामाजिक एकता यानी उपरोक्त सभी की चर्चा होती है। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, तो इसके बाद में अगला है हमारा फोर्थ चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, तो चौथा चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके ऑब्जेक्टिव है हमारे, तो पहला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा विदेशी निवेश। दूसरा, विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? वैश्वीकरण।
तीसरा है सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों को तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, उदारीकरण। चौथा है फोर्ड मोटर्स भारत में कब आई, तो फोर्ड मोटर्स भारत में कब आई, 1995 में। पांचवा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में वैश्वीकरण का लाभ नहीं उठाया है, तो किसने नहीं उठाया, औद्योगिक क्षेत्र ने। छठवां है वैश्वीकरण के विगत दो दशक में द्रुत आवागमन देखा गया है, तो इसका आंसर क्या आएगा, दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के लोगों का। दूसरा है देशों के बीच वस्तुएं सेवाओं और निवेशकों का, और उसके बाद में तीसरा है देशों के बीच वस्तुएं निवेशकों और लोगों का, यानी इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद में सातवां है हमारा वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेवंथ का, तो ये सभी लोगों के। आठवां भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो ये कब प्रारंभ हुई, तो ये सन 1991 में। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा नाइन्थ विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश की सबसे अधिक सामान्य मार्ग है, तो इसका क्या है, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। उसके बाद में दसवां है वैश्वीकरण में से कौन से उद्योग बंद हो गए, तो इससे कौन से हो गए, जो लघु उद्योग थे वो बंद हो गए। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे इसके सोशल साइंस के। लास्ट में जो चैप्टर थे वो थोड़ा सा मतलब वीडियो लेंथी होने के कारण उसको श्रिंक कर दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप और ज़्यादा कमेंट करते हो तो इसके जो दो दो मार्क्स के क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन करके हम लोग बना देंगे। प्लेलिस्ट में जाकर के आपको परीक्षा बोर्ड की जो सीरीज है और क्वेश्चन बैंक की जो सीरीज है वो दोनों सीरीज जरूर देख लेनी है, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।